एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम हॉस्टल स्टाइल वाला चिकन, बिल्कुल हॉस्टल स्टाइल का चिकन। हम सभी ने जिन्होंने भी हॉस्टल लाइफ लीड की है उन्हें उनके लिए ये बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगी, क्योंकि हॉस्टल लाइफ एक ऐसा लाइफ था जिस टाइम पे हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करती थी, बट उसमें भी हम हर रविवार चिकन की रेसिपी बनाया करते थे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते थे, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों से बनाते थे, बहुत रफली हर चीज़ों को हम इस्तेमाल करते थे, बट वो चिकन फिर भी इतना टेस्टी लगता था कि आज हम इतने वैरायटीज़ ऑफ चिकन की रेसिपीज ट्राई करते हैं, बट वो स्वाद अभी भी मिसिंग है दोस्तों के साथ खाना, हॉस्टल वाली चिकन। पर आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको ऐसे ही रेसिपीज़ की अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक बटन ज़रूर दबा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैं जानती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स को अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ मैं बीच में मिस ना कर दूँ बताना, इसलिए मैं पहले से बता देना चाहती हूँ। ये है 700 ग्राम चिकन जिसे मैंने सिर्फ नींबू और नमक से मैरिनेट करके रखा है, और मेरे पास है यहाँ पे ये ग्रेट किया हुआ अदरक, यहाँ पे है एक बड़ा लहसुन जिसे मैंने छील कर क्रश कर लिया है, साथ में है ये एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, यहाँ है ये 3 से 4 हरी मिर्ची, और ये है जीरा, गोटा जीरा जिसे हम फोड़न के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ पे है ये हमारा मीट मसाला पाउडर, और ये है हमारा कटा हुआ धनिया जिसे हम गार्निश करेंगे, और हमारे पास है यहाँ पे ये प्याज, जो 4 से 5 बड़े प्याज हैं जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, साथ में हमें नमक और हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, अब मैंने उसमें सरसों का तेल डाल दिया है, तेल भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा जीरा, जीरा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये कुटा हुआ लहसुन, फिर डाल देंगे हम ये प्याज, और अब अच्छे से चला लेंगे। प्याज को पहले हम भुनने देंगे, प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये हमारे टमाटर और इसमें हरी मिर्चियां, डाल के अच्छे से चला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें हमारे ग्रेट किए हुए अदरक, स्वाद अनुसार नमक, मैंने पहले ही नमक से थोड़ा मैरिनेट करके रखा था तो अब मैं उस हिसाब से ही नमक डालूंगी, और फिर डालेंगे हम इसमें हल्दी, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, अब हम अच्छे से मिला लेंगे, मिला के फिर इसे चिकन को ढक देंगे। अब हम चिकन को थोड़ा चेक कर लेते हैं, देखिए इसने अपने आप ही पानी छोड़ लिया है, हम इसमें अभी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, इसी पानी में ये पहले अपने आप ही थोड़ा पक जाएगा, फिर हम देखेंगे कि हमें पानी की ज़रूरत है या नहीं। मैं इसे थोड़ा सा हिला दिया है, अभी मैं फिर से इसे ढक दूँगी। अब मैं ढक्कन को निकाल दे रही हूँ, देखिए चिकन तो पक ही गया है, बस इसमें जस्ट हल्का हल्का जो ये पानी है इसको सूखना बाकी है, हम थोड़ा फ्लेम बढ़ा देंगे और इस पानी को सूखने देंगे। आपको याद होगा बिल्कुल यही टाइम हुआ करता था कि जब हम चिकन जब बिल्कुल इस तरह दिखने लगता था तब हम टेस्टिंग के लिए बहुत बार एक एक पीस करके ले जाया करते थे जो भी रूम में बनाया करता था ये चिकन, और इसी में हम लोग को बहुत गुस्सा होते थे कि चिकन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, हम खाएंगे क्या। ये चिकन ने अपना तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, अभी हम इसी वक्त में हम डालेंगे थोड़ा सा ये गर्म पानी, 1 कप जितना, मुझे ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखनी है इसीलिए मैं बस 1 कप जितना ही पानी इसमें डालूँगी, ये गर्म पानी है, फिर इसे अच्छे से मिला देंगे, मिला के फिर हम थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक ये ग्रेवी सेमी ग्रेवी जैसी ना बन जाए। देखिए बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी मुझे,
अब हम इसमें डाल देंगे हमारा चिकन मसाला पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट पकने देंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। अभी मैं डाल दूंगी इसमें हरा धनिया डाल के, अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे मिला लूंगी। मिला के इसे ढक के रख दूंगी ताकि इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे। रेडी है गर्मा गर्म हॉस्टल स्टाइल चिकन, रोटी चावल सबके साथ ये बहुत मज़ेदार खाने में लगता है। ये मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।